तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्यों? आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, एंड मैंने मॉर्निंग में एक ब्लॉग का एंड किया है जिसमें मैंने बताया, मैं अपनी फ्रेंड को मैंने सरप्राइज़ किया है एंड मैं ससुराल आ गई हूँ मायके से। सो इवनिंग टाइम है, मैंने खाना वगैरह बना लिया है। यहाँ पे बहुत जल्दी काम हो जाता है, एक्चुअली यहाँ पे 4-5 बजे ही खाना बन जाता है। तो मैंने खाना वगैरह बना दिया है, बर्तन हो गया है, अब सिर्फ मतलब गप्पे मारना है। सो मैं जस्ट जा रही थी तैयार होने, सो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा एंड ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी कल मॉर्निंग तक। तो चलिए तैयार हो जाते हो। अभी मैं जस्ट तैयार होने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि मैं कैसे जस्ट ऐसे सिंपल से रेडी होने जा रही थी। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश के लिए मैंने यूज़ किया है निविया का रिफ्रेशिंग फेस वॉश, निविया का रिफ्रेशिंग फेस वॉश विद विटामिन ई एंड हाइड्रा IQ। सो इसको मैंने यूज़ किया है और इसको मैं भी यूज़ कर रही हूँ। इसका इनडेप्थ रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बाय द वे, अभी तो आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू पता ही चल गया होगा कि मैं बांदा आ चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने ससुराल में। पहले मैं रहूँगी यहाँ पे ससुराल में, उसके बाद जाऊँगी फिर अपने मायके कुछ दिन बाद। तो अब आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स ज़्यादा मिलेंगे इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे रेमेडीज़ वगैरह शेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मेकअप लुक्स भी देखती हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेरी सारी पुरानी साड़ियाँ हैं। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि आखिर वैसे एक ही साड़ी क्या, जो मैं ग्रे वाली साड़ी मैंने कई बार उसको पहना है। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे मैं साड़ियाँ लेके जाती नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ पहनती नहीं हूँ, सारी साड़ियाँ मेरी यहीं पर रखी हुई हैं। तो अगर आप लोग मेकअप लुक्स वगैरह चाहोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं थोड़ा मोड़ा मेकअप का सामान लेकर के आई हूँ। सो मैंने अभी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। अब मैं कोई भी BBCC कुछ भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ, जस्ट मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए। आई हूँ थोड़ा सा ही आई हूँ सामान लेके, बिकॉज हम लोग केवल 10 दिन के लिए आए हैं। तो कॉम्पैक्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लेंडर से क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इसका पफ इसके अंदर नहीं है। मतलब पफ मुझे लगता है बाहर ही रहे। मेरा रूम है, आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। देखो काफ़ी मेस है थोड़ा सा इस साइड। सो ये मेरा रूम है और आज का रूम टूर मैंने दिया हुआ है पहले। आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेना। मेरा मूड नहीं, इसी में NYBA का बुलेट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये शेप ही बिगाड़ गया पूरा, चलो छोड़ो। और सर पे तो पल्ला रहेगा तो बाल वगैरह कुछ बनाने का मतलब नहीं है। सो चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ मेरे छत पे। सो गाइज अभी आ गई हूँ मैं मेरी छत पे और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा घर है, ये ग्रीन भी हमारे घर में है वो उस साइड। सो अभी राम भी है हमारे साथ। राम, ए राम इधर आ, हाय बोलो। हाय मम्मी, मन बेटे बैठ है मम्मी, अभी हूँ तो मप्पल के मोरी में रेस्टोरेंट बैठे। बस हो गया, पूरा वीडियो बन गया इतने सेकंड में, तुम्हारा पूरा वीडियो बन गया इतनी देर में। सो अभी राम भैया भी खूब खुश हैं क्योंकि वो हनी को परेशान करने को उनको मिल रहा है। ये देखिए ये खड़े हैं। सो अभी आई थी मैं जस्ट छत में थोड़ी देर बैठने के लिए। आज हमारे यहाँ बैगन का भरता बन रहा है जैसे मैंने बताया आपको, तो नीचे बैगन भूंज रही है मम्मी उसमें, क्या बोलते हैं उसको, कंडे में, हाँ कंडे में बैगन भूंज रही है। और बाबू छोड़ दो उसको, ट्राईपॉड छोड़ो, ये मेरा ट्राईपॉड के पीछे पड़ा रहता है लड़का। ये देखिए आप, ट्राईपॉड के पीछे पड़ा है। मैं आई थी ऊपर गाइस एक्चुअली वीडियो अपलोड करने, क्योंकि ना यहाँ पे नेट का इतना इशू है। सुबह मैंने 2 घंटे रखा मोबाइल छत पे कि वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हुई, 1% अपलोड हुई, तो फिर नहीं अपलोड हुआ। सो अब मैं सोच रही हूँ कि अभी ट्राई करती हूँ, शायद अभी अपलोड हो जाए। तो कोशिश करती हूँ वीडियो अपलोड करने का, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा तो कोई बात। बाकी मेरा ऐसा कोई लुक नहीं बदलता है, हम लोग का मतलब घर पर कुछ भी पहन सकते हैं।
लेकिन बाहर साड़ी पहननी होती है, तो जब मैं बाहर जाऊँगी तब आपको मेरा साड़ी का लुक दिखेगा। तो अभी मैंने यही लोअर और टी शर्ट पहना हुआ है और दुपट्टा डाला हुआ है, क्योंकि छत पे नीचे रहती तो ये भी नहीं रहता। और पापा जी के सामने यानी कि ससुर के सामने हम दुपट्टा डालते हैं, भाई साहब यानी कि जो मेरे जेठ हैं उनके सामने दुपट्टा लेती हूँ, पर सास के सामने नहीं इतना रहता है ना, वो कभी टोकती हैं। अंदर जो आप वो फ़ोटो देख रहे हैं ना, वो हमारे अजिया ससुर और अजिया सास का है। साथ में मैं आपको दिखाऊँगी, कभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा है वहाँ पर, लाइट नीचे कहीं ऑन नहीं हुई है। तो वो मेरे अजिया ससुर और अजिया सास की फ़ोटो है, यानी कि सचिन के बाबा और दादी नहीं है वो इस दुनिया में दोनों। तो यहाँ पर हम लोग जैसे बैठे हैं, अब देखिए मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने का ट्राई करती हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से। कल का ही कंटिन्यू है, और इवनिंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो अभी मॉर्निंग हो गई है, मैंने नहा लिया है, और अभी आपने जैसे देखा मैंने मैंने अपना रूम पूरा क्लीन किया है। तो वैसे मैं अपना रूम टूर करा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर से दिखा देती हूँ। दिस इज़ माय बेड एंड वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सोफ़ा सेट है मेरा है, एंड यहाँ पर मेरी ड्रेसिंग रखी हुई है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अपनी किचन भी दिखा देती हूँ, बाहर भी दिखा देती हूँ। फिर राम एक्चुअली गया हुआ है बाहर, वो अपने लिए चॉकलेट लेने गया था, तो किंडर जॉय बहुत पसंद है, वो बहुत जिद कर रहा था सचिन से कि मेरे को किंडर जॉय चाहिए, किंडर जॉय चाहिए। सो सोचिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर भी लाइटिंग का थोड़ा सा सेटअप करके रखी, लाइट लगाई हुई है, और एक मैंने यहाँ पर बड़ा सा बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं आती है, थोड़ा सा रिंग लाइट का इशू लगता है। और इसमें दो ही होल्डर हैं, बस यहाँ और यहाँ, एक यहाँ पे भी लग सकता है, तो अगर ज़्यादा दिन रुकना होता तो यहाँ से सब्जी निकल गया, तो अगर ज़्यादा दिन रुकना होता तो फिर हम लोग लाइटिंग का सेटअप करते, बट ज़्यादा दिन रुकना नहीं है तो क्या सेटअप करें। सो या फिर भी आपको मेरे रूम में काफ़ी अच्छी लाइट दिख रही होगी, तो कैसा लग रहा है आपको मेरा रूम मुझे कमेंट कर देना। और बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने रूम में, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मुझे, जितनी अच्छी नींद अपने बिस्तर में आती है इस बेड में उतनी अच्छी मुझे कहीं नहीं आती है, तो होता है थोड़ा सा एक टच होता है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर, काम वगैरह कर लेते हैं, खाना वगैरह बना देते हैं, नहीं तो पिट्टी होगी, डांट पड़ेगी। चलते हैं बाहर, मजाक कर रही हूँ। सो गाइस अब ये आ गई हूँ मैं मेरी किचन में, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो बाकी का सारा सब कुछ बन चुका था, दाल चावल, और आज बना था मटर पनीर की सब्ज़ी, तो वो सब कुछ बन चुका था, बस रोटी बननी बाकी थी, तो मैं बस रोटी का ही शेयर कर पाई। मटर पनीर की मैंने रेसिपी नहीं शेयर की आप लोगों के साथ में, क्योंकि वो सासू मम्मी मेरी बहुत जल्दी खाना बना लेती हैं, तो मैं जब तक नहा धो के आई तब तक उन्होंने सब बना लिया, और मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मुझे शूट करना है, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी से बना ली। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ यहाँ पर, और अब बन रही है यहाँ पर पनपत्ती रोटी। पनपत्ती मतलब जो हाथ से पैके रोटी बनी जाती है ना वो,
तो ये सचिन को ना इसी टाइप का खाना काफ़ी पसंद है, लाइक जो बिल्कुल देसी होता है, तो उनके लिए सेक रही है, पापा जी के लिए सेक रही है। यहाँ पे धनिया और सूखी धनिया और लहसुन का नमक मम्मी ने पीसा था, और ये अलग से आटा माड़ा है, बिल्कुल पूरी जैसा आटा आपने माड़ना होता है, थोड़ा टाइट टाइट, और पानी लगा के इस तरह से आपको अपने हाथों से इस तरह से गोल गोल करना है। फिर पहले आपको धीमी आँच में सेकना है, उसके बाद आपको तेज़ आँच में उसको सेकना होता है। तो ये रोटी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये चूल्हे में बनने वाली रोटी है, लेकिन हमारे यहाँ चूल्हा है लेकिन इतनी गर्मी में कौन जलाए, तो इसलिए हमने इसको गैस पे इस तरह से सेक लिया है। और अगर आप हाथ से नहीं बना पाते हो ना, तो आप लंबा लंबा बेल के उसको पानी में गीला करके इस तरह भी बना सकते हो, मैं इसी तरह बनाती हूँ। अभी हमारे यहाँ आई थी आज जलेबियाँ, तो राम को जलेबी बहुत पसंद है, और ये देखिए ये है सुबह का नाश्ता सचिन का, उनको बहुत पसंद है ये। क्या कर रहे हो, डोरेमोन ले रहे हो? डोरेमोन दीजिए, लो ये वाला वॉच ले लो, खुश आ जाओ। सो गाइज, ये रोटी फूल कई कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और अब बस मैं भी करूँगी नाश्ता, तो ये सचिन का नाश्ता है, मेरा नाश्ता है दही जलेबी दूध पानी, और मैंने क्या खाया था, और बस इतना ही खाया था। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, सचिन मैं, और सचिन आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में और एक्टिव दिखेंगे, अभी वो अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। गाइज ये देखिए, ये हैं हमारे घर के जामुन, मतलब हमारे तो ये घर के हमारे जामुन है, वहीं से लेके आए हैं। देखिए ये फटे फटे से आपको दिख रहे हैं, और इतने मीठे हैं, अभी मैं आपको खा के भी बताऊंगी, आप स्वाद तो नहीं ले पाओगे, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं इसको धोने। तो ये सचिन ने और पापा जी ने मिल के तोड़े हैं, सो चलिए इनको अच्छे से साफ कर लेते हैं। ये लो भाई, हम गए हैं ढोल, अब हम इसको खाएंगे। ते मीठे यार, गजब मीठे, खाओ जामुन, इनका पहले मुंह बन जाता है। यहाँ पे देखिए हनी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ रखा है आम, तो अब हनी को चाहिए आम। हनी क्या चाहिए आपको, आम चाहिए क्या, आम चाहिए क्या हनी को? नहीं, आम नहीं देना हनी को, लाओ दे दो हमको हनी। हनी आम चाहिए है, मुंह देखिए इनका, खुश बेटा, चले जाना, मिलेगा नहीं, चलो निकलो, मेरा आम है ये, भगो यहाँ से भगो। उतनी देर से खड़े हो, क्यों नहीं जा रहे हो? दिया ना अभी तुमको मैंगो, आम चाहिए क्या हनी? हनी क्या चाहिए, हम तो आम खाएंगे। हनी आम चाहिए, आम खाओगे क्या? आम खाना है, आम खाओगे, खाओगे लो खाओ। बहुत इसके नखरे हैं, ये डॉगी नहीं है, ये घर का बच्चा है। इतना तो ये लोग भी नखरे नहीं, इतना तो सचिन लोग भी नखरे नहीं करते जितने इसके नखरे हैं। देखो इसको, अभी नीचे से आया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा आम रखा है, तो अब वो उधर से आया है कि मैं यहाँ से झपट्टा मार लूँ। बेटा झपट्टा नहीं मारने को मिलेगा, मिलने नहीं वाला तुमको। देखो टेबल के नीचे, डाइनिंग के नीचे से आया है। तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो, क्यों ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, हम नहीं मिलेगा आम, चलो भगो, भैया भगाओ हनी को, कह दो भगो यहाँ से, कह दो भगो यहाँ से।
ये आ गया हमारा दोपहर का नाश्ता पेटीज। यहाँ पे है मेरी पानी पूरी, यानी कि हम लोग इसको बतासे बोलते हैं, और मटर तो हमारे यहाँ इस तरह से मिलते हैं, और ये मेरे काफ़ी फेवरेट है। और मैंने अपने ससुर जी को बोला कि भैया 4 महीने हो गए मैंने नहीं खाया, मुझे खाना है, तो मेरे लिए लेके आए दोपहर में। तो हम लोग ने लंच करने के बाद फिर पानी पूरी पी। 4 महीने के बाद पानी के बतास नहीं आ रहा, मज़ा आ गई भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी से दो, देंगे। आइए मम्मी इधर आइए, तो बैठा लो। कहे अकौआ क्या? हाओ तुमको भी दे बना के। राइट गाइस, सो अब मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। एंड अगर आप लोग चाहें मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो। राम मैं बोलो।